देख रहे हैं रील ललन का, मेरा नाम सुनाली है। आजकल फिल्मों के गाने सुनकर कई लोग कहते हैं कि हमारे जमाने में कुछ और बात थी, ऐसा था वैसा था। गहराई नहीं है, कुछ लोग ऐसा कहा करते हैं, लेकिन आज एक ऐसे लिरिसिस्ट है मेरे साथ जो अपने होने भर से ये सारे मिथ को तोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं, कुछ नए अंदाज के साथ हमें गानों से मिलवाते हैं, रूबरू करवाते हैं। जिन्होंने तनुए तनु के खूबसूरत गाने लिखे, तनुए मनु रिटर्न्स के लिए लिखा, सुम्बाड़ का टाइटल ट्रैक लिखा, सांड की आंख के लिए गाने, बहुत तमाम सारी फिल्में हैं जितने मतलब आपको फिल्मों में खूबसूरत गाने मिल जाते हैं वो इन्होंने ही लिखे होते हैं। और सब हमारे साथ आज है राजशेखर, बड़ा ही फिल्मी सा नाम, फिल्मों के गीत लिखते हैं, बहुत भावता है। नमस्ते सोनाली। पर आपको एडवांटेज तो मिला होगा, आपका नाम हमेशा से राज रहा, तो बैंड से कहीं पर तो नहीं जुड़ना शुरू हुआ आपका? मतलब आपने बहुत सही कहा, फिल्मी नाम है। मुझे एक प्रोड्यूसर ने कहा था कि अगर मेरा नाम राज होता ना तो मैं दुनिया जीत लेता। मैंने कहा मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मेरा नाम राज नहीं होता तो मैं कहाँ होता। पर एडवांटेज तो मिला आपको, ऐसे कह सकते हैं थोड़ा। तो जितने सारे लोग हमारे साथ ललन का पड्डा में आज जुड़े हैं उन्हें बता देती हूँ, हाल ही में नेटफ्लिक्स पर आई है सानिया मल्होत्रा की अभिमन्यु फिल्म है, बहुत प्यारे रिव्यूज मिल रहे हैं मीनाक्षी सुंदरी पर। लेकिन सबसे खास बात है इसका म्यूजिक एल्बम। म्यूजिक एल्बम को बहुत से लोगों ने खूबसूरत कहा, बढ़िया कहा। इनफैक्ट सबसे पहले तो आपको बधाई, और दूसरा हमारी टीम में मुबारक भी है, उन्होंने ऐसा कहा कि इस साल का सबसे अच्छा गाना आया अब जाकर नवंबर जो था, रत्ती रत्ती फेवर। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि किस तरह का आपको रिस्पॉन्स मिला, सबसे बढ़िया कॉम्प्लीमेंट क्या मिला? पहले तो बहुत शुक्रिया सोनाली आपको और ललन टॉप को, और मुबारक भाई बहुत काइंड है। और बहुत सारे लोग हैं जो कि मतलब इंतजार कर रहे थे, ऐसा लग रहा है हमें अब कि इंतजार कर रहे थे कि कोई इस तरह का कुछ आए, एल्बम आए। और ये दरअसल सिर्फ इस एल्बम के तरफ तो एक प्यार है, इसके अलावा मुझे लगता है कि एक बात और है कि ये जो दोषारोपण होता है कि लोग अच्छा सुनना नहीं चाहते या इस तरह से, मुझे लगता है कि शायद उसको भी कहीं ना कहीं ये तोड़ती है ये बात कि जिस तरीके से रिसीव हुआ है ये एल्बम, जिस तरीके से लोगों का प्यार आ रहा है, मुझे लग रहा है कि वापस मैं तनुवर्स मनु के दिनों में मैं चला गया हूँ। और मुझे एक सेम पैटर्न सा दिख रहा है, मतलब लोगों का जिस तरीके से सामने आकर के लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे फनी फनी नहीं, मतलब हार्ट फेल्ट एक वो लगा कि एक किसी ने कहा कि इफ आई हैड पावर्स, अगर मेरे पास ये ताकत होती तो मैं इस गाने के लिए तुम्हें नेशनल अवार्ड दे देता। तो मैंने कहा कि मेरे लिए ऑल नेशनल मोमेंट है। मतलब कई बार वो उनके पास ये मानक होते हैं कि नेशनल अवार्ड या अवार्ड मिलने से ये अच्छा है, तो उस तरीके से बहुत बहुत प्यार मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। क्या बात है, आपके चेहरे पर जो मुस्कान है वो बयां कर दे रही है, मैं कुछ कहना चाहूंगी। अच्छा जब गाना आता है ना फिल्म में, तो आई थिंक अगर मैं सही हूँ ना, जैसे गाने का पिक्चराइजेशन तो बहुत खूबसूरत है कि अभिमन्यु जो है वो मेट्रो में ट्रैवल कर रहे होते हैं, और जैसे वो यादों में जाते हैं कि मीनाक्षी उनके साथ है, तो बड़े रंग बिरंगे से कपड़े नजर आते हैं। जैसे वो बैक टू रियलिटी होते हैं ना, तो उनके कपड़े वो ग्रे रंग के हो जाते हैं, रंगत एक तरीके से उड़ जाती है। तो हर गाने के पीछे ना एक कहानी है। इस गाने की कहानी जब आपने इसे लिखना शुरू किया, क्या थी, क्या प्रोसेस था, हाउ डिड यू एंड अप राइटिंग इट, ये बताइए। आपने बहुत बारीकी से चीजें देखी हैं, और गाने का मूड जो है और जो बाकी पूरा एक माहौल जो है, जो सराउंड है, उसको बहुत अच्छे से फिल्माया गया है। फिल्म में मैं कुछ चीजें गानों के अलावा बात ये करूंगा कि किस तरीके से एक टीम वर्क जो है, तो इस फिल्म में विवेक सोनी जो कि डायरेक्टर हैं,
और जस्टिन प्रभाकरण जो कि इसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं, जस्टिन की ये पहली फिल्म है हिंदी में जी। इससे पहले वो डियर कॉमरेड और कई और फिल्में कर चुके हैं। विवेक की ये पहली फिल्म है। तो इस टीम में सीनियर सिटीजन नहीं था, इस तीन लोग है टीम में, बट हमने एक एक गाना जो है वो बहुत ही पूरा टीम वर्क है, चाहे वो म्यूजिक डायरेक्टर हो, डायरेक्टर हो और उसके बाद सिंगर्स, हर किसी ने अपने तरफ से मुझे लगता है कि अपना पूरा दिया। और विवेक की मैं तारीफ करूंगा इस बात को लेके कि बहुत कम बार ऐसा होता है कि इतना सेंसिटिव कोई डायरेक्टर, उनके पास हर एक चीज को लेके, जैसे वो गाना है तू यही है, अब वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का गाना है, उसमें ऐसा उन्होंने नहीं कहा कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे गाना लिख दो, वो बाकायदा उनके पास बहुत सारे थॉट्स थे कि जो भी लोग हमारे, जो भी दोस्त देख रहे हो और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहे हो, मेरा बहुत लंबा अनुभव रहा है इसका, तो अक्सर रातें सुबह में बदल जाती है, आप फोन पे होते हैं, कई बार आप फोन पे सो जाते हैं और सुबह आप जगते हैं तो फोन चल रहा होता है, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें वो सोच कर आए थे इस तरीके से। तो जब आपको, आपको पता है कि ये सारे मोमेंट्स आने वाले हैं, इस तरह की चीजें होने वाली है, तो आपके लिए बहुत काम जो है वो आसान हो जाता है एक तरीके से। मुश्किलें भी बढ़ती हैं कि जब आपको लगता है कि इतना लश सब कुछ है, इतना इतना सोचा हुआ है एक एक वाक्य के बारे में, तो आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ती है, बट डेफिनेटली ये मैं कहूंगा कि पूरा टीम वर्क है। और मैं बिल्कुल ये वो वाले जो यूजुअली फिल्म के वक्त में जो पीआर की बात होती है, उस तरह का टीम वर्क मैं नहीं कह रहा हूँ। सच में बहुत मजा आया इस एल्बम में काम करने के करते हुए। दूसरी बात यह है कि हम लोगों ने ज्यादातर काम जो है इसका वो लॉकडाउन में किया। तो एक वक्त पे तो जब हम परेशान होते थे, आसपास में जिस तरह की खबरें थी, बहुत उदास हो जाते थे, उसके बीच में कभी कभी ना ये गेट अवे जैसा होता था, एक रिफ्यूज के तरह था ये एल्बम। हम यहाँ जाते थे और अपनी खुशी तलाशते थे, चाहे वो मैं हूँ, चाहे जस्टिन है, चाहे विवेक है, तो हमारे लिए ना एक वो था कि यारों से मिलने का एक अड्डा जो होता है, तो हम उस तरीके से हमने ये एल्बम पहले तो मिले भी, उसके बाद तीन गाने जो है वो हमने लॉकडाउन में किया और उसके बाद फिर हम लोग वापस मिलके हमने उसको पूरा तैयार किया। अच्छा, तो ये अलग अलग आप लोगों ने शायद जूम से और फोन कॉल से कनेक्ट होकर काम किया होगा। अच्छा, इसी रस्सी रस्सी इंटरव्यू एक लाइन आती है कि जाना है तो जा, मुझे कुछ नहीं कहना। तो शायद होता है सब ब्रेकअप की बात हो रही होती है या लड़ाई होती है, तो गुस्से में या नाराजगी में इंसान अक्सर ये कहता है ये गाना है तो जा, मुझे नहीं है। लेकिन जब छह साल में इसे गाया है, जो रिलेटेबल बन गया है, ये जो आप इस्तेमाल करते हैं ना रोजमर्रा की जिंदगी और लड़ाई और प्यार की बातचीत के सब गानों में आप फिरो देते हैं, तो सबसे कमाल है। लेकिन कैसे ये कैसे मुमकिन हो पाता है? वो इस तरह की ऑब्जर्वेशन आपकी रहती है क्या, हर बात सुनते सुनते उससे गाना बना देते हैं, क्या आपके लिए प्रोसेस रहता है? मुझे लगता है कि डेफिनेटली कुछ चीजें आप अपने साथ या अपने आसपास में देखते हैं, कई सारी चीजें, और मैं पर्सनली लिरिक्स में मैं शैलेंद्र का बहुत मुरीद हूँ, गुलजार साहब भी। मुझे लगता है कि जिस तरीके से छोटी छोटी बातों से, और ये पूरी फिल्म आप देखेंगे ना सोनाली, तो इस पूरी फिल्म में आपको हर गाने में एलिटरेशन दिखेगा, एक पुनरावृत्ति है हर गाने में, रत्ती रत्ती रेजा रेजा, जुगनू जुगनू बनके हम रात रात जागे, या तितर बितर, तो पूरा एल्बम
मैंने सोचा था अपने दिमाग में कि पूरा एल्बम जो है ना छोटी छोटी चीजों से बनाएंगे ये, क्योंकि ये हीरो 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 हीरोइन वाली कहानी उस तरीके से नहीं है। ये एक बहुत ही मिड क्लास हाउस होल्ड की कहानी है। उनकी वोकेबलरी जो है वो नहीं है कि ये मसाइले तसव्वुफ तेरा बयान गालिब, तुम्हें हम वली समझते जो नबादा खार होता, तो ये वाली बात नहीं है इसमें। ये मुझे लगता है कि यंग कपल है, वो शायद इसी तरीके से बात करेगा कि जाना अगर है तो जा, मुझे कुछ नहीं कहना। और इसकी अगली लाइन जो है वो दरअसल वो हासिल है इस गाने का कि क्या ही कहें क्या ही लड़े जब प्यार ही ना रहे। तो मुझे आम आम लोगों के आम चेहरों आम किरदारों जो मेरे आसपास हैं, दोस्त हैं, जो जिनका दिल टूटता है, मैं उनको ऑब्जर्व करता हूँ, देखता हूँ वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। कुछ दिन तक तो सुनते हैं वो तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, पर फिर वो भी ऐसे ही उस पे आ जाते हैं। अगर किसी से कम्युनिकेट करना होता है तो इन्हीं शब्दों में करते हैं। जो एक बात हो रही थी जैसे मनकेसर की तरह उसमें रिप्रेशन दाखिल कि सावन सावन दिल आखिर खनक खन बहुत सारे ऐसे रेफरेंसेज हैं। इंटेंशनली होता है कभी अगर किसी गाने में ऐसी चीज आती है रिप्रेशन आती है या फिर बस कलम चलती जाती है और माला बनती जाती है? इंटेंशनली तो पहले नहीं सोचा था। पहला गाना था हमारा इस जर्नी की शुरुआत हुई थी तितर बितर से, ठीक है, और वो बहुत कठिन गाना है सुनाली, वो मतलब 4.5 मिनट का गाना है और उस गाने के अंदर में 5 गाने अलग किरदार हैं। और जो दोस्त हमारे अभी ये देख रहे हैं, आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में बात आएगी और बेहतर से कि कैसे वो गाना मूव हो रहा है। उसमें डिफरेंट किरदार है और वो लिप सिंक है। अब उसमें एक रिक्शा वाला है, एक टीटी है, एक बच्चा है छोटा, एक लड़की है, एक अम्मा है जिससे जो गाना शुरू करती है। तो जब मुझे पहली बार बुलाया गया धर्मा में, विवेक ने जब बुलाया तो मैं गया मिलने के लिए, मैंने धुन सुनी और मेरे साथ मेरे मैनेजर थे और मैंने उनकी तरफ देखा और मुझे बहुत मजा आ रहा था गाना सुनने में, पर साथ ही साथ मैं सुनते ना आप मीटरिंग आपके दिमाग में चालू हो जाती है और आप मैं कह रहा हूँ यार बहुत मुश्किल गाना है यार, ये बहुत मुश्किल गाना है, कैसे करूंगा ये। तो मैं तो ऑलमोस्ट एक जगह पे ये था कि यार रहने देता हूँ मैं अभी, क्योंकि उस वक्त मैं और कुछ काम में उलझा हुआ था। तो मेरे मैनेजर ने कहा कि नहीं यार करते हैं, आपको मजा आ रहा है? मैंने कहा मजा तो आ रहा है सुनने में, पर बहुत चैलेंजिंग है। तो फिर मैंने सोचा करते हैं, करके देखते हैं, एक गाने के अंदर 5 गाने करके कैसा होता है। तो वो जब कर रहा था तो उसमें जब जो मुझे धुन मिली थी वो तमिल में थी, तो जो डमी लिरिक्स तमिल में थे, जस्टिन ने खुद लिखा था उसको। अब उसमें दिक्कत क्या थी कि उसमें तमिल में संयुक्त अक्षर जो है वो एंड में भी होते हैं, राइट, इस तरीके से एक टोन है उनका। अब यहाँ पे वो आधा क्या करें, तो उसको मिलाने के लिए हमने कई सारी चीजें, ट्रेजेडी इस तरीके से कई सारी चीजें करी और कोई एक वर्ड चाहिए था जो कि ना बांध सके सब कुछ को, तो वो मिल गया हमें तितर बितर, कि सब कुछ एवरीथिंग इज गोइंग हेवायर, सब कुछ टूट रहा है, तो वो तितर बितर आ गया। तो फिर तितर बितर, फिर उसी गाने में आगे कई जगह पे है कि झिलमिल झिल झिल मिल झिल लड़की थी वो, खिल 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 हस्ती थी वो, गुम तुम ही गुमसुम गुम गुमसुम गुमसुम गुम गुमसुम गुम रहती थी या तुम ही तुम कहती थी वो। फिर ये पार्ट, ये मेलोडियस पार्ट था, इजी था, इसके तितर बितर के बाद मैंने ये लिख लिया। फिर मुझे लगा कि ये पूरा पैटर्न मजा आ सकता, मैंने इंटरनल एक चैलेंज लिया कि पूरे में अगर ये रेपुटेशन वाला रखे। फिर रत्ती रत्ती रेजा रेजा, इस तरह से धीरे धीरे यार मन केसर केसर रेशम रेशम, तो हो गया ये। तितर बितर में एक और बहुत अच्छी जो मुझे कैची सी लाइन लगी थी होती है, अट्टी बट्टी करके क्यों कर ली कट्टी रे, तो ये बड़ा ही स्वीट है। और हाँ, मैं इस गाने के बारे में आपसे पूछने वाली थी, बट आई एम श्योर जो जर्नी है बहुत कमाल थी। आप ब्रेक
ब्रेक डांस होता है वो कौन सा झूला जिसमें आप कभी बैठे हो, तो ऐसा होता है एकदम धीरे चलेगा फिर आपको धड़ पे झटका देगा और खुशबू हो जाएगा, ये गाना वैसा लगता है मुझे बिल्कुल, बहुत अच्छा बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। मेरा ना। नेफ्यू है 6 साल का और 3 साल का, तो वो मुझे फोन करता है, कहता है राज ये वो सुनाओ जरा, अट्टी करी रे बट्टी करी रे। वेरी नाइस। भाषा के प्रयोग की आप बात कर रहे थे तो बहुत अच्छे से कहीं ना कहीं गानों में तमिल हिंदी ये जेल हो गया जिसका आपने जिक्र भी किया, जैसे कनमनी शब्द का आपने इस्तेमाल किया, तो हमें नॉर्मली जो लोग सुनते हैं सुनेगा कनमनी ये भी मेरी प्रियतमा, लेकिन उसका असली मतलब आप हमें बताइएगा। दूसरा क्या होता है जब ऐसे लैंग्वेज एक तरीके से मिलने वाले सिचुएशन में होती है या डिफरेंट होती है, आपको उसे मिलाना होता है, किसी एक का भी अटेंप्ट ना चला जाए, ओरिजिनलिटी ना चली जाए, इसके लिए क्या किया जाए? एक तो मैं आपको अगर असल बात बताऊं तो ये प्लान नहीं था कि इसमें कि तमिल यूज अच्छा करना है मुझे। दरअसल कई बार क्या हुआ कि मीटरिंग जिस तरह की थी ना, अच्छा कनवणी को लेके एक मैं बात बोलूंगा। शायद शाश्वत जिन्होंने ये गाना गाया है, हिंदी भाषी कई लोग पूछ रहे हैं हमसे कि कनवणी का क्या मतलब होता है। हाँ कनवणी का मतलब होता है डियर, बिलवेड, प्रिय, प्रियतमा। और ये बहुत मोस्ट पॉपुलर वर्ड होगा मुझे लगता है तमिल गानों में। एक दो वर्ड और यूज किया है, एनकादल। अब मैं सॉरी जो लोग तमिल भाषी हैं वो सॉरी अगर मैं गलत उच्चारण कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो मैं तमिल से, ये देखिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ओहो, क्या बात है, 30 दिन में आपने 30 दिनों में सीखो तमिल, तो ये अच्छा तमिल, तो ये मैंने इस फिल्म के साथ मैंने कोशिश की थी कि कुछ कुछ सीखूं। और भाषा को लेके जो बात है, मुझे लगता है हिंदुस्तान की एक बहुत खूबसूरत बात है ये, और कि हर फिल्म के साथ एक दो वर्ड, एक दो कुछ चीजें, कुछ लोग, कुछ मिल जाते हैं जो कि आपके साथ लाइफ लॉन्ग उस तरीके से रहते हैं। तो मुझे ये लगा कि जो तमिल वर्ड हम यूज कर रहे हैं, एक तो जिस तरह से स्ट्रक्चर था, जो मीटरिंग थे, जिस तरह का फोनेटिक एक गाने में यूज हो रहा था, और जस्टिन ने जो भेजा था मुझे, उस फोनेटिक में या तो संस्कृत या तमिल जैसे शब्द ज्यादा जाते, इसीलिए पूरे एल्बम में ध्वनियात्मक जो शब्द है, रुनझुन या इस तरीके से जो एक जिनकी साउंड है, जिनका एक उस तरीके से, और जो शब्द बिंब है उन उनका काफी प्रयोग किया है हमने। कई बार वो क्या है कि आपके दिमाग में एक इमेजरी क्रिएट करते हैं शब्द भी उस तरीके से, तो मुझे लगता है कि वो भी एक कारण था। कहीं कहीं पे हमने थोड़ी सी लिबर्टी ली कि जैसे कि लवा मैटर, मैं जब चेन्नई गया तो मैंने बहुत देखा लोग उस तरीके से यूज करते हैं कि जैसे कि वो यूज करते हैं कि लवा मैटर चल रहा है क्या इनके बीच में, तो इस तरीके से लव मैटर है कुछ क्या। तो बहुत मैंने मेरा ये ऑब्जर्वेशन, मैं मेरी आंख कान में खुला रखता हूँ थोड़ा सा, तो लव मैटर फनी भसड़, फनी इंग्लिश भसड़, आई डोंट नो कहाँ का पंजाबी, राजस्थानी, दिल्ली, स्वीट बिटर इंग्लिश, स्वीट बिटर ट्रेजिडिया इंग्लिश, टिंग्लिश तमिल इंग्लिश, ट्रेजिडी हाँ राइट लेफ्ट इस तरीके से बोलते हैं। और तो सब मिला के हो गया किसी तरीके से। बहुत अच्छा हुआ। मैं है ना एक्चुअली गाने जब सुनती हूँ अक्सर तो आप सोचती है कि कमेंट बॉक्स में देखा जाए लोग क्या रिएक्ट कर रहे हैं, और लोगों ने सबसे बड़ी बात यही कही थी कि जिस तरीके से कल्चर को इनकॉर्पोरेट किया है हर एक गाने में वो काबिल तारीफ है। लोगों ने खैर आपके नाम से लिखा राजशेखर ओपी, तो जितने मिलेनियल लोग हैं वो समझ रहे हैं कि यार तो थैंक हम म्यूजिक कंपोजर से आपकी बात करें, जस्टिन प्रभाकरण जी का नाम,
अब मैं इतना जानती हूँ कि इससे पहले उन्होंने तमिल फिल्मों के साथ प्ले करा, तेलुगु फिल्म की है, लेकिन ये समझती हूँ कि उन्होंने हिंदी नहीं, उन्होंने इंग्लिश बहुत अच्छी आती है। अब आप रखती रखती रहेगा रहेगा कोई इंग्लिश में कन्वर्ट करके उसके कहीं ना कहीं वो फीलिंग कम हो जाती है। कैसे एक्सप्लेन किया आपने वो कैसा ट्रांजेक्शन था? ये बहुत मुश्किल काम था, और हाँ जस्टिन जो है वो बहुत कम बोलता है। अभी सीख गया है 3-4 वर्ड, ठीक है, मैंने सिखाया है उसको, हाँ ठीक है, और मैंने उसको एक वर्ड सिखाया है बहुत अच्छा। तो मैंने कहा, व्हेन एवर एनीवन टॉक्स यू अबाउट लिरिक्स, यू हैव टू से बहुत अच्छा। बट शुरुआत में बहुत ही एक फनी सा एक एटमॉस्फेयर होता था। मेरी अंग्रेजी मैं लिख फिर भी सकता हूँ, बोलने में मुझे बहुत ज्यादा मैं कॉन्फिडेंट नहीं रहता हूँ। तो अब मैं कैसे समझाऊं रत्ती रत्ती रेजा रेजा को उस तरीके से, मतलब बिट्स एंड पीसेस है मगर वो पूरा ट्रांसलेशन उसका नहीं है, भावानुवाद नहीं है उसका वो। तो मैं सो वो पूछता था कि राज मीनिंग मतलब, तो मैं उसको चुप हो जाता था। और अच्छी बात ये थी कि उस वक्त ना बहुत मेरे तारनहार के तरह विवेक सोनी जो कि डायरेक्टर हैं, तो गाने के प्रोसेस में वो पहले डायरेक्टर रहते थे, बीच में हम दोनों के बीच में वो दुभाषीय हो जाते थे। तो क्योंकि जस्टिन के अंग्रेजी को भी ना उसके इंग्लिश को भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ता था, क्योंकि तो उसका इतना थिक तमिल एक्सेंट था उसका। तो उसको विवेक हिंदी में करते थे मेरे लिए, और मेरी बात को, क्योंकि कई बार आप बहुत भाव से बोलते हैं, धारा प्रवाह बोलने लगते हैं ऐसे, तो उसको विवेक ट्रांसलेट करते थे। बट जो भी था बहुत मजा आया करते हुए। जो म्यूजिक आल्बम में आपकी गाइड है तो होगी, लेकिन फिल्म के लीड एक्टर्स में जब सुना होगा या फिर जब सूट की बात हुई होगी, क्या उनका रिस्पॉन्स रहा था गानों को लेकर? बहुत ही अच्छा लगा था, सबको ही अच्छा लगा था। और मुझे लगा कि मतलब सबको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था। तो मुझे लगा कि अच्छा, इतना कुछ ठीक बन गया है क्या इस तरीके से। जैसे सानिया जब मुझे मिली थी पहली बार, तो उन्होंने मुझे कहा कि गानों ने उनको बहुत मदद करी किरदार के, उसके किरदार के पास पहुंचने में। और जब वो तैयारी कर रही थी तब वो सुन रही थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे उस दुनिया में, जब भी मैं ट्रेवल करती थी सुबह पे शूट शूट पे जा रही होती थी, तो मैं लगा लेती थी अपने कान में और गाने, और मुझे ना एक पूरा एक वातावरण वैसा लगने लगता था कि किस तरीके से मुझे जाना है, क्या है। जैसे एक वो एक गाना है, तू यही है, तू यही है, मैं ना एक जो वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को लेकर के गाना है। अब मुझे इतने ज्यादा लोगों के अभी आ रहे हैं उसके लिए, इतने सारे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों का आ रहा है, कि उसमें लाइन है कि अच्छा इनकी शादी हो चुकी है, ठीक है, और उसके बाद अलग है ये, तो रोज तो ये बात नहीं करेंगे कि ओ तुम चांद के जैसे सुंदर दिखती हो, या तुम कितने अच्छे हो, या ये, तो एक वक्त पे ये बातें खत्म हो जाती। फिर मुझे लगा कि क्या कर सकते हैं कि वो खूबसूरत बात भी हो, और उस चीज को मतलब एस्थेटिकली भी अच्छी हो, और वो रियल भी हो। तो उसमें ये आया कि हमें सुबह से इसका इंतजार है कि जल्दी जल्दी शाम हो, कि पूरे दिन के किस्से हम बताएंगे तसल्लियों से रात को, फिर जुगनू जुगनू बन के हम रात रात जागे, जादू जादू सब ये जादू ही सा लागे, टिमटिमा के देखो हंस रहा वो तारा, क्या सुना लतीफा उसने फिर हमारा, जहां मिलते हैं रात और दिन वहीं चुपके से मिल लेंगे हम। तो अक्सर हम देखते हैं, जैसे मैं अपने पेरेंट्स को देखता हूं, मुझे नहीं लगता कि मेरे पिताजी ने
हाल के कुछ सालों में कभी कहा होगा कि आप इतनी सुंदर दिखती हैं या ये है या कुछ उस तरीके से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सही बात है या गलत बात है, पर वो उनके लिए वो रात में यही बात करते कि उसका फोन आया था और वो ठीक है, उसको मतलब किसी चीज के बारे में, या धान कटने का वक्त हो गया है या कुछ। मुझे लगता है कि शायद वो जो कुछ देर की बात होती है, मुझे लगता है कि एक वक्त पे वो एक कॉमरेडरी की जो बात होती है, कंपेनियनशिप की जो बात होती है, शायद वो बहुत जिंदा रखता है एक रिलेशनशिप को। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग क्रू मेंबर्स का तो जो आया, लोगों लोग बहुत रिलेट कर रहे हैं एल्बम से, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो आपने कितनी प्यारी बात कही उन लोगों के लिए, होप बन के जो सामने आई है, जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। एक बड़ी मोटिवेशनल लाइन भी थी इसमें कि पीछे मुड़ती सड़कों पे क्यों घूम है। तो मुझे लगता है कि इस फिल्म में जितने गाने ना, हमने सारे के सारे तरह के लोगों को कैप्चर कर लिया है। उसमें शादी हुई है, ब्रेकअप हुआ है, नया पार्टनर हुआ है, दे हैव गॉट एवरीथिंग। एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती थी, फिल्म और म्यूजिक एल्बम से थोड़ा अलग, अब कोई भी प्रोजेक्ट आते हैं, कोई भी फिल्म आती है, उसमें अनेकों गाने होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि एक फिल्म में तो एक गाना होगा। अब बहुत से गाने होते हैं, बहुत कई बार ऐसा भी होता है कि सारे गाने पॉपुलर होते हैं, कई बार होता है कुछ गाने पॉपुलर है, कुछ नहीं है। लेकिन जो मल्टीपल कंपोजर, मल्टीपल लिरिसिस्ट एक ही प्रोजेक्ट से, एक फिल्म से ये जुड़ने का चलन है, क्या इससे किसी तरह का नुकसान होता है? मुझे लगता है कि सोनाली, मैं एक सवाल आपसे और आपके थ्रू जो हमारे दोस्त देख रहे हैं उनसे करना चाहता हूँ कि आप मल्टीपल कंपोजर्स वाले एल्बम्स, आपको गाने याद रहते हैं, कई बार बहुत खूबसूरत गाने बनते हैं, पर मुझे लगता है कि क्या आपको एल्बम्स याद रहते हैं? बहुत कम बार ऐसा होता है कि मल्टीपल कंपोजर्स हैं और उसमें एल्बम, आपको अगर एल्बम्स की बात करें तो आपको याद आते हैं रॉकस्टार, ठीक है, या इस तरह के, मतलब ये कई सारे, मतलब जैसे विशाल जी और गुलजार साहब के, या जावेद साहब और शंकर एहसान लॉय के साथ दिल चाहता है, मतलब ऐसे में जो आ रहा है दिमाग में मैं बोल रहा हूँ। ये जब आप जो हमने सबसे पहले बात करी थी टीम के तरह काम करते हैं ना, तो आपके एक ब्रीदिंग पैटर्न तक सेम हो जाती है, You breathe the same air. आप वो किरदार आपके साथ चलते हैं। अब क्या होता है कि मल्टीपल कंपोजर्स और मल्टीपल लिरिसिस्ट के साथ कोई किरदार को, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कोई कम या ज्यादा, पर वो किरदार को अपने चश्मे से देखते हैं और हर का चश्मा अलग होता है, इसीलिए बहुत डिसज्वाइंटेड सी चीजें लगती है। गाने हो सकते हैं कि कुछ गाने चमक जाए, कुछ अच्छे हो जाए, कुछ को व्यूज मिल जाए, कुछ एक होलसम, जैसे कि मैं साथिया सुनता हूं आज भी, या ताल सुनता हूं, तो ऐसा लगता है, या रॉकस्टार सुनता हूं, या फॉर दैट मैटर दम लगा के ऐसा सुनता हूं, तो ऐसा लगता है कि यार ये ना साथ में एक पत्थर जो है ना, वो साथ मिल के रखा गया है, सोच के रखा गया, एक एक नक्काशी जो की गई है साथ की गई है। मल्टीपल कंपोजर से मेरा एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस, मुझे लगता है कि हम ना सिर्फ और डिमांड और सप्लाई वाली बात होती है कि हमें किसी ने कुछ कहा, हम लोग लगता है कि हम लोग ठेके पर के आर्टिस्ट थे। कभी इस दिल से मैं बात नहीं कर पाऊंगा किसी मल्टीपल कंपोजर और मल्टीपल लिरिसिस्ट वाले, दरअसल आप जान भी नहीं पाते किरदारों को उस तरीके से। तो मैं नहीं जानता कि गलत है कि सही है, पर ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है कि डायरेक्टर्स को खास करके इसमें आगे आना होगा कि मुझे ये काम करना है, और आप मेहनत से मत डरिए। आप विंडो शॉपिंग जो करते हैं कि अच्छा इसका ये गाना पसंद आ रहा है, गाना सारे जो लेजेंडरी एल्बम्स हैं, सुनते हैं कि राज कपूर साहब जो है वो शंकर जैक्सन जी के साथ, शंकर जी, जैकिशन जी, राज कपूर साहब और शैलेंद्र और कई बार हसरत भी, ये सब लोग 6-6 महीने तक एक एल्बम पे काम करते थे, ये बॉम्बे से निकल जाते थे, और इसीलिए वो गाने आज भी जिंदा है। रॉकस्टार के गाने आप इसीलिए आज तक सुनते हैं। तो
मुझे लगता है कि ये एक मेरा ऐसा मानना। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी कि आगे क्या कुछ सरप्राइजेस आप हमारे लिए लेकर आ रहे हैं? आगे 5-6 फिल्में मैं कर रहा हूं अभी, और 5-6 फिल्म में सारी फिल्में, एक जो है वो पहले की है, कुछ चीजें थी वो, उसके अलावा मुझे लगता है सारी फिल्में जो है वो किसी एक म्यूजिक डायरेक्टर और एक फिल्म, एक म्यूजिक डायरेक्टर और एक लिरिसिस्ट, ऐसा वाला ही मामला है। और जो कि मैंने बीच में कई सारी फिल्में छोड़ी, वो बड़े स्टार कास्ट की फिल्म थी, पर मुझे नहीं करना था। जहां मुझे सेंस ऑफ बीइंग देयर, जहां मुझे लगता है कि मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा हूँ कहानी में, किरदार में किसी तरीके से, तो मैं, मुझे लगता है कि ये काम कोई और बेहतर कर सकता है मेरे से, तो मैं उनको राम राम कर लेता हूँ। मैं बहुत जल्दी, मुझे लगता है कि 10-15 दिनों में एक फर्स्ट अगले अगले साल की शुरुआती दिनों की एक फिल्म होगी जो कि आ जाएगी। बहुत कमाल के गाने बन रहे हैं। सॉरी मैं इस तरह से अपने, मतलब अपने फिल्म की तारीफ कर रहा हूँ, पर मुझे पता है कि वो गाने पसंद आएंगे लोगों को, और मतलब हम बहुत दिल से काम कर रहे हैं। क्या बात है, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं एंड बड़ा ही अच्छा अभी आपने रिसेंट एल्बम लगा है। आई होप आज भी आप ऐसे सरप्राइजेस जनता के लिए लेकर आते हैं। तो बड़े जो क्लोज है, जो बहुत मोहब्बत करते हैं, तो संगीत से करते हैं, गानों से करते हैं उन लोगों की। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। और आपके सारे दर्शक जो है, ललन टॉप के घर है ये तो अपना, तो उनको भी बहुत बहुत थैंक यू। और गाना सुनिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को। ऑलराइट, ठीक थैंक यू है, सो मच, थैंक यू।